गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से मैंने आपको पूरा बताया था। टुडे विल स्टार्ट विद डाइवर्जेंसी एंड कन्वर्जेंसी ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको उस दिन लेक्चर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर समझाया था। जैसे अगर हम लोग डाइवर्जेंट की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से निकलना और अलग अलग डायरेक्शंस में जाना, राइट? जैसे अगर आप क्लास से निकलोगे, क्लासेस जब हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स लेते थे तो जब क्लासेस से निकलते थे मतलब एक क्लास से निकल के आप सब अपने अपने घर जाते थे, राइट? कोई यहाँ जाएगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्ज होना, एक पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में जाना, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंसी। एंड नेक्स्ट इज कन्वर्जेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज? कन्वर्ज का मतलब क्या, अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट पे आना। जब आप क्लास आते हो तो आप अपने अपने घर से एक ही क्लास जगह एक ही जगह आते हो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। आया समझ में? घर से निकले, ठीक है, आप घर से निकले और क्लास आए, तो घर सबके अलग अलग जगह होते हैं, राइट? तो अलग अलग जगह से एक जगह आना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंसी, कन्वर्ज करना। एंड जब क्लास छूटने के बाद आप क्या करोगे, क्लास से मतलब एक जगह से अलग अलग जगह जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्ज होना। अब डाइवर्ज हो रहे हो, डाइवर्जेंसी। दोनों वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंसी? किसी को कोई डाउट है? नो वन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल स्टिक्स को लेके, मतलब स्टिक्स को रख के, मैथ स्टिक्स रख के उन्होंने बताया है कि कैसा हो सकता है। A concave mirror is also called as focusing mirror. This is because, as shown in the figure, parallel ray get focused after reflecting in this mirror. अगर हम लोग उसका ये देखो, convex में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, अलग अलग जगह से आ रहा है लेकिन एक ही जगह जाके वो सब मिल रहा है। Can see lines are coming parallel and meeting at a single point. It is coming parallel, meeting at single point. Coming parallel, meeting at single point. दिख रहा है आपको? ये सब कहाँ मिल रहा है? At a single point. So this is called as focusing mirror. Focusing करना मतलब एक जगह focus होना। आपने कभी देखा है वो magnifying glass जो हम लोग use करते हैं, अगर नीचे papers रख दो और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर वहां पे वो मैग्नीफाइंग ग्लास उसके ऊपर रखते हैं और अच्छी खासी सन के रेज आ रहे हैं आफ्टरनून के टाइम पे, तो पेपर्स क्या हो जाते हैं, पता है आपको? यस, इट गेट बर्न, आग लग जाती है उस पेपर में। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा, कॉनकेव मिरर जो है वो सब जगह से सन की रेज को इकट्ठा करेगा और एक पॉइंट पे उसको लेके जाएगा, और जहाँ पे वो एक सिंगल पॉइंट पे मिलेगा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होने के वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो पेपर्स है वो बर्न हो जाएंगे, वहाँ पे उसमें फायर, दैट इज आग लग जाएगी। द साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय दिस मिरर कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना हम लोग नजदीक रखेंगे, जितना मिरर नजदीक रहेगा उतना ही इमेज क्या होते जाएगा, बड़ा दिखेगा।
जितना जितना दूर आप रखोगे उतनी जो उसकी इमेज बनेगी वो छोटी 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 होती जाएगी। तो साइज जो है वो कहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके डिस्टेंस के ऊपर, मिरर से आपने उसको कितने डिस्टेंस पे रखा है उस हिसाब से उसकी आपको देखने मिलेगी। अगर वैसे ही वो मिरर इज डिस्पर्सिंग, डिस्पर्स करेगा, मतलब एक पॉइंट से लाइट आएगी और 10 अलग अलग जगह उसकी लाइट फैलेगी, दैट इज डाइवर्जिंग। हम दूसरा उसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज होना, एक पॉइंट से आना और अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैल जाना। जैसे यहाँ पे देखो, जब लाइट आ रही है सो इट इज मीटिंग एट वन पॉइंट, कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड मिरर। तो यहाँ से देखो एक पॉइंट से है और कहाँ पे अलग अलग जगह कन्वर्ज होते जा रहा है, सॉरी डाइवर्ज होते जा रहा है, अलग अलग फैलते जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक सिंगल पॉइंट पे बाद में वो मिल रहे थे और यहाँ पे हमने क्या देखा, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। सो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव इज कन्वर्जिंग, एक जगह पे मिलता है, एंड कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग, अलग अलग जगह वो फैल जाता है। द साइज ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाई दिस मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जितना उसका एक्चुअल साइज रहेगा उससे वो छोटा ही दिखाएगा। कॉनकेव में हमने क्या देखा, छोटा भी बड़ा बता सकते हैं, मतलब वो छोटेगा छोटा ही दिखेगा। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट, जो मिरर हमें हमारे पास है वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो स्पेशल मिरर विच इज यूज फॉर शेविंग इज कॉनकेव मिरर, शेविंग के लिए यूज जो होता है, जहाँ पे सलून वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आपने देखा रहेगा शेविंग के लिए जो मिरर यूज होता है वो क्या होता है, कॉनकेव। व्हेन हेल्ड क्लोज टू फेस इट गिव्स वर्टिकल एंड लार्जर इमेज ऑफ अ फेस, जैसे आप नजदीक लेके जाओगे वो कैसा दिखेगा, उसकी इमेज वर्टिकल मतलब ऐसे लंबी इमेज दिखेगी। इफ सेम मिरर इज टेकन फादर, और थोड़ा और दूर 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 जैसे जैसे लेके जाएंगे वैसे इमेज जो है वो छोटी 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 बनते जाएगी। और वैसे अगर हम लोग कार्स और मोटरसाइकिल में, व्हीकल्स में अगर देखें तो व्हीकल्स में कौन सा मिरर यूज होता है, कौन वैक्स मिरर यूज होता है। इन दिस मिरर द इमेज ऑफ फेस इज इरेक्ट, अगर आप फेस देखोगे तो इरेक्ट दिखेगा एंड स्मॉलर, एंड इट रिमेन्स इरेक्ट बट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर व्हेन द मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द फेस। इरेक्ट ही दिखाई देगा, सीधा ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे 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 हम लोग उससे दूर 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 जाएंगे वैसे उसकी जो इमेज है वो क्या होते जाएगी, छोटी 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 होते जाएगी। एज अ रिजल्ट वी कैन सी द इमेज ऑफ सराउंडिंग ऑल्सो इन द मिरर, इसकी वजह से क्या होता है, एक काफी लंबा व्यू हम लोग अपने साइड मिरर्स में, जो हमारे साइड ग्लासेस होते हैं उसमें देख सकते हैं। दस वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ मिरर बाय स्टडिंग द इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय देम, तो वो कैसी इमेजेस बनाता है, छोटी बना रहा है, बड़ी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, तो उसके ऊपर से आपको ये पता कर सकते हो कि वो कॉनकेव है या फिर कॉनवेक्स है। ठीक है, When the light running coming from an object enters our eyes, जब light आती है आँखों में, we can see the object because while passing through the lenses in our eyes, the ray converges and the image of the object forms to an retina, forms on the retina of our eyes. मतलब क्या होता है, light जो है, light travel होगी, कहाँ पे enter होगी, हमारे eyes में lenses है, right? हमारे eyes में क्या है, लेंसेस है, और वो लेंस क्या करता है, जो लाइट है उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्या करेगा वो उसको कन्वर्ज मतलब एक जगह जाके जमा करेगा, और वो एक जगह कहाँ पे है, रेटिना, हमारी आईज में, बैक साइड में, मतलब सपोज दिस इज आर आईज, राइट, यहाँ पे लेंसेस है,
तो यहाँ से एंटर होगी लेंसेस के थ्रू, और यहाँ पे होता है रेटिना, वो जाके कहाँ बने मिलेगा, रेटिना पे मिलेगा, ठीक है। और जब वो रेटिना पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं, ये नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तब जाके हमें ब्रेन बताता है कि वो जो इमेज फॉर्म हुई है वो एग्जैक्टली क्या है। समझा? एज अ रिजल्ट वी कैन सी द इमेज ऑफ सराउंडिंग ऑल्सो इन मिरर। ओके, दिस वॉज डन यहाँ पे। दिस इमेज फॉर्म बाई लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज रियल इमेज। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज बनती है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो जैसे हमारी आंखों पे वर्क होता है, लाइट आती है लेंसेज के थ्रू, रेटिना पे जाते हैं, तो सेम एज इट इज वो स्क्रीन पे भी वर्क करता है, ठीक है। तो रियल इमेज हमें कहाँ पे दिखाई देती है, हमारी स्क्रीन पे दिखाई देती है। द इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल इमेज। दिस इमेज इज प्रोड्यूस एट अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज। दिस इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन एज द रे डू नॉट एक्चुअली मीट देयर। मतलब प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर भी वैसे ही है। कॉन्वेक्स मिरर में भी जनरली क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। मतलब एक्चुअल में वो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इमेज जो है वो कैसे होती है, डाइवर्ज, डाइवर्ज होती है। मतलब एक पॉइंट से निकलेगी और 10 जगह फैल जाएगी, मतलब काफ़ी जगह पूरा फैल जाएगा, और फैलने की वजह से उसकी जो इमेज स्क्रीन पे बननी चाहिए वो नहीं बनती, क्योंकि दे एक्चुअली डोंट मीट ना, एक दूसरे को मिलते ही नहीं है। सब जगह जब जाके एक जगह मिलेंगे, जब सब एक जगह जाके मिलेंगे तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो कन्वर्ज हुआ, और कन्वर्ज हुआ तो वहां पे इमेज फॉर्म होती है और वो स्क्रीन पे आके हमें दिखाई देती है। लेकिन जब डाइवर्ज होता है तो वहां पे हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो पूरी इमेज जो है वो फैल जाएगी। When light rays collect at a point after reflection from a spherical mirror, they are said to be converged. ये मैंने आपको बताया, converge का मतलब क्या, 10 अलग अलग पॉइंट से आएंगे लेकिन एक जगह जाके मिलेंगे, they'll meet at a single point, तो हम क्या कहेंगे, it is converging. When the lights are converging together at a point, a converging light beam is used. Doctor use such a beam to converge light on a tooth, ear, nose, etc. Equipment using solar energy also use converging light. इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे कौन से मिरर यूज होंगे, कॉनकेव मिरर्स यूज होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। कन्वर्ज का मतलब 10 जगह से लाइट को लेके आएगा और एक जगह मिलाएगा, और जब वो पूरा प्रेशर एक जगह आके मिलता है तो इट गेट स्टार्टिंग वर्क, राइट। और उस वजह से जो सोलार एनर्जीज जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब सोलार के अलग अलग इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, सोलार कुकर, सोलार सेल, सोलार हीटर, तो ये सब वैसे वर्क करते हैं, क्योंकि काफी जगह से वो हीट लेके आएगा और एक जगह जाके उसको मिला देगा। सो इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी है सब में कन्वर्जिंग लाइट ही यूज होते हैं, एंड कन्वर्जिंग लाइट इज नथिंग बट कॉनकेव मिरर्स ही वहाँ पे यूज होते हैं। When light is starting from a point, spread out, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और पूरी स्प्रेड हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, तो उसे कहेंगे डाइवर्जेंट। When we want light rays to spread out from a source, a divergent beam is used. जैसे कि स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैम्प वगैरह क्या होता है कि ज़्यादा वो फैलना चाहिए, लाइट फैलनी चाहिए और ज़्यादा मैक्सिमम एरिया वो कवर करना चाहिए, तो एट दैट टाइम जो उसका ऊपर का जो ढक्कन होता है, जो ऊपर का उसका कवरिंग होता है, वो कवरिंग में क्या होता है, मिरर्स होते हैं, दैट इज सो नाउ सी वेर वी कैन यूजेस दिस मिरर्स। तो पहला मिरर हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो कॉनकेव मिरर जो है
वो यूज होता है बार्बर के शॉप में, सलून्स में, डेंटल हॉस्पिटल्स में यूज होता है. द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेजेस ऑब्टेन. मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज, काफी बड़ी. टॉर्च एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, टॉर्च और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में भी कॉनकेव मिरर यूज होते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ फोकस ऑफ द मिरर. दस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन. मतलब सोर्स कहाँ पे है, फोकस पे है. तो हम लोग ने रूल्स देखे थे, रूल्स क्या थे, फोकस पे रहेंगे तो पैरेलल जाएंगे, पैरेलल रहेंगे तो फोकस पे आएगा, राइट. तो यहाँ पे पैरेलल फोकस पे होने की वजह से जो लाइट निकलेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो वहां से निकलेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी. नेक्स्ट इज फ्लड लाइट्स. द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से थोड़ा और दूर रखा जाएगा ऑफ द मिरर. दिस गिव्स अ ब्राइट बीम ऑफ लाइट, एकदम ब्राइट लाइट ये देता है. नेक्स्ट इज वेरियस इक्विपमेंट यूजिंग सोलार एनर्जी, अलग अलग सोलार एनर्जी. जैसे मैंने कहा कि सन की रेज को ये क्या करेगा, अलग अलग पॉइंट से लेके आएगा और एक पॉइंट पे उसको फोकस करेगा. एंड देयरफॉर वी कैन यूज कॉनकेव मिरर्स इन सोलार इक्विपमेंट्स. कॉनवेक्स मिरर्स कहाँ पे यूज होते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो है, मिरर ऑन अ साइड ऑफ कार्स आर कॉन्वेक्स मिरर्स. साइड कार नहीं, लेकिन सब ऑटोमोबाइल्स में, स्कूटीज, बाइक्स वगैरह जो साइड मिरर्स होते हैं वो साइड मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं. बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर फिटेड इन शॉप्स, जो शॉप में बाहर मिरर्स लगाए हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ऑल कॉन्वेक्स मिरर्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी यहां तक सबको क्लियर है. कॉनकेव जो है उसे कन्वर्जिंग कहते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं. कहां कहां यूज होता है वो भी हमने देखा. अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है. ठीक है, तो ध्यान से देखो, कार्टेशियन फॉर्म सबको पता है. कार्टेशियन फॉर्म इज नथिंग बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव. वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ठीक है, अब जैसे जैसे इमेजेस बनेंगे वैसे उसे उसका ये बनते जाएगा साइड. अगर डिस्टेंस जो है वो राइट साइड की तरफ है, देन इट इज पॉजिटिव. इफ इट इज नेगेटिव साइड, दैट इज डिस्टेंस इज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे अगर उसका इमेज बन रहा है देन इट इज नेगेटिव. डिस्टेंस जो होगा वो माइनस में होगा. अगर जो भी हाइट है उसकी ऊपर की तरफ है देन इट इज पॉजिटिव, एंड हाइट अगर नीचे की तरफ है देन इट इज नेगेटिव. समझ में आ रहा है. द ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे है, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा. क्या होगा, हमेशा नेगेटिव. हाँ, सेम जो ज्योमेट्री में आप यूज करते हो वही यहाँ पे है कॉन्सेप्ट पूरा. सो डिस्टेंस अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो इट इज पॉजिटिव. डिस्टेंस अगर डाउनवर्ड है देन इट इज नेगेटिव. फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि फोकल लेंथ कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है. तो फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव. नेक्स्ट इज मिरर का फॉर्मूला.
मिरर का फॉर्मूला क्या है? तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब u, v और f क्या है? तो u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. u क्या है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट टर्म क्या है? वी. वी का मतलब है जो इमेज बनेगी, इमेज का डिस्टेंस कितना है, वो हो जाएगा वी. एफ, एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ. इमेज का डिस्टेंस इज वी, ठीक है, और फोकल लेंथ इज एफ. और ये तीनों को मिला के अगर मैंने लिखा तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. दिस इज मिरर फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. मतलब कोई भी कंडीशन, कोई भी मिरर ले लो, कोई भी पोजिशन सिलेक्ट कर लो, ये जो है फॉर्मूला वो हर जगह वैलिड होगा. समझा? नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब छोटी चीज बड़ी दिखना, राइट? छोटी सी चीज एकदम बड़ी दिखना, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन कैसा फाइंड कर सकते हैं? मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट छोटा है तो वो कितना बड़ा उसका इमेज बन सकता है, ये हमें देखना है. तो उसका फॉर्मूला है अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कहाँ रहेगी? नीचे. और जो इमेज है उसकी हाइट होगी ऊपर. अगर इसको दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, राइट? और दूसरा एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, दैट इज माइनस वी अपॉन यू. वी मतलब इमेज का डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. समझ में आ गया? यस, क्लियर पूरा? ठीक है, तो विल सॉल्व वन ऑफ द सॉल्व एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है. राजश्री वांट टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर. लिख लो एच इमेज की हाइट है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज. ऑब्जेक्ट के सब वन दे दे है, तो यहाँ पे h2 कितना है? 5, ठीक है. इन्वर्टेड मतलब वो माइनस, नेगेटिव. हाइट क्या होगी? नेगेटिव. समझा? ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव. मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर. तो u कितना हो गया? u हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10. मतलब f हमें दिया हुआ है, f कितना है? 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इट इज ऑन लेफ्ट साइड. ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड पे रखा जाएगा. At what distance from the mirror should she place a screen? मतलब कौन से डिस्टेंस पे, दैट इज इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे उसको, इमेज जो है वो कितने, कौन से डिस्टेंस पे उनको अच्छे से दिखाई देगी. इसलिए what we have to find is v. What will be the type of image? इमेज जो फॉर्म होगी वो कौन से टाइप की होगी, ठीक है. एंड हाइट ऑफ द इमेज मतलब हमें, सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब h1 हमें फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है, राइट? तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो इसमें से हमारे पास f है, u है, राइट? चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1/v प्लस 1/u, u कितना है?
माइनस 30 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है माइनस 10। यहाँ पे माइनस 30 मतलब माइनस 1/30, वहां जाएगा तो प्लस 1/30 मतलब माइनस 1/10 प्लस 1/30। सो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 3, यहाँ पे भी इंटू 3, तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 30 क्या आएगा, माइनस 2/30 दैट इज माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/15, देयरफॉर वी कैन से वी इज इक्वल टू v is equal to minus 15। समझा, तो ये हो गया v। अब हमें फाइंड करना है हाइट भी। तो हाइट के लिए हमने दो फॉर्मूलाज देखे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था h2/h1, और दूसरा फॉर्मूला था माइनस वी अपॉन यू। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, एच टू हमारे पास क्वेश्चन में था माइनस 5, राइट, एच वन माइनस वी अभी हमने फाइंड किया तो माइनस माइनस 15, एंड यू, यू कितना है माइनस माइनस कट, 15 वन जा 15 टू जा, सो 5/h1, सॉरी माइनस 5/h1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, माइनस माइनस कट, 5 टू जा 10, सो h1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझा, हमने हाइट भी ऑब्जेक्ट की फाइंड कर ली, इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, तो उसको मिनिमम कितने डिस्टेंस पे, उसकी जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 15 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड क्योंकि वो माइनस आया, अगर प्लस आता तो राइट साइड, माइनस है इसका मतलब क्या है लेफ्ट साइड। समझा, चलो ये वाला सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो, हाँ ये वाला सॉल्व करो। ये वाला राइटिंग ना, ये वाला सम सॉल्व कर रहे हो ना, कॉनकेव मिरर जो है ना, जैसे जैसे आप नजदीक आओगे वैसी इमेज बड़ी दिखेगी, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसी उसकी इमेज जो है वो छोटी दिखेगी। समझा विभूति,
हाँ डिमिनिश्ड मतलब छोटा, साइज में छोटा रहेगा। देखो ना, एक्चुअल उसकी हाइट कितनी है, 10। एक्चुअल मतलब जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 10। लेकिन जो इमेज बनेगा वो इमेज कितना बन रहा है, समझा कुणाल? और जो हाइट उसकी इमेज की जो हाइट है वो 5 है, मतलब जो 10 था वो आपको कितना दिख रहा है, सिर्फ 5 दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन से, इट इज डिमिनिश्ड, छोटा हो रहा है। कॉन्वेक्स में ना वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर। तो उसकी एग्जांपल्स ये रहा, देखो सेकंड वाला, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना तब कर लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, साउंड या साइंस टू का चैप्टर? हाँ साइंस टू, साइंस टू ना, साइंस टू कब से है, 15th चैप्टर से साइंस टू है ना? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 15।
15 स्टार्ट करो, 16 स्टार्ट करो, सबको अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं, किसी को 15 है, किसी को 16 है। ठीक है, विल स्टार्ट विथ 15। हाँ तो 15 ही स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ बेसिक्स देख लेते हैं चैप्टर में कौन से लाइफ प्रोसेसेस आ रहे हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस, जो हम लोग पूरे हमारे कहते हैं ना एक साइकिल में, मॉर्निंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग, एक दिन में जो जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिनके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो वैसे काफी सारे प्रोसेसेस है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मतलब क्या आएगा, प्लांट के अंदर जो मिनरल्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि मिनरल्स वगैरह कहाँ पे बनते हैं, कहाँ से मिलते हैं उनको, रूट्स में से मिलते हैं, दैट इज सॉइल में से मिलते हैं, और फिर वो पूरी प्लांट में फैलते हैं। खाना कहाँ बनता है, जो फूड फैक्ट्री है, प्लांट का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, लीव्स को कहा जाता है। तो लीव्स में जो खाना बनेगा वो पूरे उसके बॉडी में, पूरे प्लांट में कैसे फैलेगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे दो जो इसके ऑर्गन्स हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट एक ब्रीफ चैप्टर का। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी जरूरी है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं हर चीज उसमें से हर एक चीज यूजफुल ही होती है और हम लोग यूज ही करें, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो हार्मफुल चीजें होती है, जो टॉक्सिक होता है, जो एक्सक्रीशन सेल, जो सेल्स होते हैं ना हमारे, वो भी एक्सक्रीट करता है। तो वो सब चीजें एक्सक्रीट होना, बॉडी के बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए कौन काम आता है, फॉर ह्यूमंस किडनी। एक्सक्रीशन के लिए क्या काम आता है, किडनी। एंड जिनकी किडनी फेल हो जाते हैं उनको डायलिसिस करना पड़ता है। आपने डायलिसिस काफी बार सुना होगा, लेकिन डायलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है ये नहीं पता होगा, मे बी। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, जो किडनी का काम करेगा मशीन, जो किडनी का काम करेगा, आपकी बॉडी में से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, जो भी केमिकल वाली चीजें हैं, जो भी गंदी चीजें हैं, वो बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये चैप्टर में, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, जैसे हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके चलती है, जैसे कि अगर मैंने खाना खाया, राइट, इफ आई एट समथिंग, तो टीथ तुरंत क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करके उसको चबाने का काम चालू कर देगा, राइट। टंग जो है उसका टेस्ट लेना चालू कर देगा। सिलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही वो रोल होके सब रेडी हो जाता है, चर्न करके दांतों का चर्निंग हो जाता है, उसके बाद वो एसोफेगस क्या करेगा, एसोफेगस मतलब हमारा जो फूड पाइप है, वो फूड पाइप क्या करेगा, उसको स्टमक तक लेके जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। पेरिस्टाल्टिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। एंड फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब एक के बाद एक। कभी ऐसा देखा है कि खाना जो है वो फूड पाइप में ही रह जाएगा, एसोफेगस में ही रहेगा, स्टमक बोलेगा जाने दे आज मेरा मूड नहीं है डाइजेशन करने का, तो मत लेके आओ यहाँ पे, उसको जगह नहीं है, या वॉट एवर, आज मेरा रेस्ट करने का दिन है, ऐसा कभी कुछ होता है क्या, नहीं। मतलब सब मिलके काम करना, आफ्टर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करना, तो दैट इज व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन। जैसे कि अगर कोई चीज गर्म लगती है, रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग जिसे कहते हैं, गर्म चीज लगती है तो हमारा मसल्स क्या होते हैं, फटक से पीछे की तरफ खींच लेते हैं हम लोग। पीछे की तरफ खींचने का मतलब क्या होगा, वी आर रिएक्टिंग, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और भी काफी सारे लाइफ प्रोसेस है जो आप नेक्स्ट ईयर लर्न करने वाले हो, दैट इज रिप्रोडक्शन, सर्क्यूलेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो आप नेक्स्ट ईयर करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, काफी लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट लेक्चर
हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, प्रिपेयर इन द सेंस थोड़ा सा कहते हैं ना, चैप्टर रीड करके आओगे ना तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा बहुत एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। एंड हाँ, ये एक्चुअली जो साइंस टू है ना, अभी का जो साइंस टू 15, 16, 17, 18, चारों चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे कि लास्ट वाला वो टेलीस्कोप वाला, और वो किसने इन्वेंट किया था, कैसा होता है, कौन से टाइप के होते हैं, तो चारों के चारों चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप भी एक बार सिर्फ चैप्टर गो थ्रू करके आ जाओ, सिर्फ रीड करो, समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करो, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, विल कंटिन्यू विद 15 चैप्टर, थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, मजा आएगा, वी आर गोइंग टू एक्चुअली वी आर गोइंग टू एंजॉय इट। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, एंड बी ऑन टाइम, प्लीज टाइम पे आओ। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो सिर्फ गिन के 10 ही जन थे। कुणाल, मिरर का डाउट था, 1 मिनट, क्या था डाउट आपका? अरे बाप रे, बहुत सारे मैसेजेस आ गए उसके बाद। हाँ, सिंग फुल इमेज, वाई वी नीड अ हाफ साइज ऑफ मिरर। मतलब उन्होंने बोला है कि मिनिमम एटलीस्ट हाफ साइज का मिरर तो होना ही चाहिए, तो ही आपको आपकी फुल इमेज दिखाई देगी। अगर हाफ साइज से भी छोटा रहा अगर आपका मिरर, तो आपको आपकी फुल साइज, फुल इमेज वहां पे दिखाई नहीं देगी। मतलब अगर किसी ने पूछा कि मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए, व्हाट राइट ना, मिनिमम कितना होना चाहिए मिरर कि आपकी पूरी इमेज उसके अंदर दिखाई दे, तो मिनिमम वो आपकी हाइट से आधा तो एटलीस्ट उसकी हाइट होनी ही चाहिए, तो ही आपको उसकी पूरी इमेज दिखाई देगी। समझा? हाँ, जैसे नेचुरली वो तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी फुल लेंथ तो दिखाई देगी, लेकिन इमेज छोटी छोटी हो जाएगी। इमेज जो है वो साइज जो है उसकी, वो और छोटी छोटी होते जाएगी। ओके, ठीक है, चलेगा, चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट विथ 15 चैप्टर, रीड करके